तो स्वागत है दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो जैसे कि गाइस आप लोग थंबनेल को देखकर वीडियो पे क्लिक किए हैं, तो गाइस आप लोग एकदम सही वीडियो पे क्लिक किए हैं, क्योंकि गाइस आपको इस वीडियो में एक्सप्लोजर एप्लीकेशन से आपका जो अकाउंट है वेरीफाई कैसे करते हैं, यानी कि ब्लू टिक कैसे ले सकते हैं एक्सप्लोजर एप्लीकेशन पे। सो आज की इस वीडियो में आपको फुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। बट उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पहली बार आते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर एक किसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और हां गाइस, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सिंपल से वीडियो को। तो यहां से गाइस अपना डाटा ऑन कर लेता हूं। डाटा ऑन करने के बाद गाइस यहां से मैं एक्सप्लोजर एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूं। एक्सप्लोजर एप्लीकेशन के ओपन करने के बाद यहां पर आपका कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, यानी कि शो हो जाएगा। तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद गाइस जैसे ही आप लोग अपने एक्सप्लोजर एप्लीकेशन पे पूरी तरह रीलोड हो जाएगा, यानी कि इंटर कर जाएंगे, तो आपको क्या करना है, सिंपल से आपको क्या करना है, आपको अपने यहां पर 3 डॉट पे क्लिक कर देना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद गाइस आपको सिंपल से फिर से आपको क्या करना है, आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद गाइस आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर सेटिंग्स वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन उसके बाद गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट जो ऑप्शन है वेरीफाई योर अकाउंट का, तो उस पर सिंपल से क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस आप लोग यहाँ पर डायरेक्टली इंटर कर जाएंगे वेरीफाइड अकाउंट के लिए। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट आपको अपना प्रोफाइल जो नाम है, नाम यहाँ पर इंटर रहेगा, यानी कि ऑटोमेटिक यहाँ पर शो हो जाएगा। एंड यहाँ पर आपको जो अपना नाम है रियल फुल नेम यहाँ पर दे देना है। तो चलिए मैं फुल नेम इंटर कर देता हूँ। फुल नेम इंटर करने के बाद गाइस आपको यहाँ पर अपना ईमेल इंटर करना है। तो चलिए यहाँ से मैं अपना ईमेल भी इंटर कर देता हूँ। ईमेल इंटर करने के बाद गाइस आपको यहाँ पर कैटेगरी आती है। कैटेगरी में आप लोग जो भी वर्क करते हैं आपको अपना वर्क यहाँ पर दर्शाना है। तो यहाँ पर फिलहाल जो हमारा वर्क है यहाँ पर नहीं शो हो रहा है, तो यहाँ से मैं अदर पे टिक कर देता हूँ। अदर पे टिक करने के बाद गाइस आपको क्या करना है, आपको एक अपना डायरेक्टली यहाँ से फोटो लेना है, स्कैनिंग करना है डायरेक्टली। यहाँ पर फोटो वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, तो जो आपका फोटो है डायरेक्टली यहाँ से लेगा। तो चलिए यहाँ से मैं फोटो भी ले लेता हूँ। डायरेक्टली फोटो क्लिक करने के बाद गाइस आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर अपना अटैचिंग डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर क्लियर कर देना है। तो चलिए मैं अपना कोई भी अपना डॉक्यूमेंट्स इंटर कर देता हूँ। डॉक्यूमेंट इंटर करने के बाद गाइस आपको क्या करना है, स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आप लोग किसी भी वेबसाइट का लिंक दे देना है, या फिर किसी भी आपका जो अकाउंट है, या फिर जीमेल का लिंक दे देना है, या फिर आप यूट्यूब क्रिएटर है तो यूट्यूब को दे देना है, किसी भी प्लेटफॉर्म का आपको यहाँ पर लिंक दे देना है। तो चलिए यहाँ पर मैं लिंक दे देता हूँ, यानी कि लिंक इंटर कर देता हूँ। देन उसके बाद गाइस आपको क्या करना है, बायोडाटा यहाँ पर फिलअप करने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेटिंग लेगा, यानी प्रोसेसिंग लेगा, तो आपको थोड़ा वेट कर लेना है। तो यहाँ पर आपका कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका रिक्वेस्ट है यहाँ पर सबमिटेड हो चुका है, यानी सबमिटेड सक्सेसफुल हो चुका है। एंड आपको कुछ टाइम बाद आपको ब्लू टिक मिल जाएगा, तो यहाँ से सिंपल से ओके कर लेना है। तो कुछ टाइम तक आपको वेट कर लेना है, जैसे ही आपको पूरा यहाँ पर जो आपका बायोडाटा है जैसे ही स्कैनिंग करेंगे, यानी कि जैसे ही पूरा चेक करेंगे, उसके बाद आपका जो टिक है ब्लू टिक है आपको मिल जाएगा। तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो एक लाइक करें एंड इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।